इंटरटेनमेंट जगत से बुरी खबर सामने आई है। लेजेंडरी सिंगर पंकज उदास का निधन हो गया है। 72 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। पंकज की बेटी नायाब उदास ने सिंगर की मौत की खबर शेयर की है। हर कोई सोशल मीडिया पर नम आंखों से सिंगर को आखिरी श्रद्धांजलि दे रहा है। पंकज उदास के पीआर ने बताया कि सिंगर का निधन 26 फरवरी की सुबह करीबन 11 बजे ब्रिज कैंडी अस्पताल में हुआ था। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। बीते कई दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। सिंगर के निधन की न्यूज पता चलने के बाद म्यूजिक जगत में मातम पसरा हुआ है। पंकज जैसे गजल गायक का यूं दुनिया छोड़ के जाना फैंस को गमगीन कर गया है। हर कोई सोशल मीडिया पर नम आंखों से सिंगर को आखिरी श्रद्धांजलि दे रहा है। महान गायक का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। नायाब द्वारा गायक के निधन की खबर साझा करने के तुरंत बाद उनके फैंस ने कमेंट सेक्शन में हंगामा किया और अपनी संवेदनाएं पोस्ट की। एक फैन ने लिखा, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। एक अन्य यूजर ने लिखा, आपके नुकसान के बारे में सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मजबूत रहें और कृपया मेरी संवेदनाएं स्वीकार करें। एक अन्य उपयोगकर्ता ने पोस्ट किया, गहरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं। पंकज उदास ने जिन सदाबहार गजलों को अपनी आवाज दी उनमें चिट्ठी आई है चांदनी रात में, ना कजरे की धार और आहिस्ता कीजिए बातें, एक तरफ उसका घर और थोड़ी थोड़ी पिया करो शामिल हैं। गायक के निधन से संगीत उद्योग सदमे में है और शोक में डूब गया है।